पत्रकार वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं कि आप यहां पे आए। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हमारे इस परिसर में लगातार कॉर्पोरेटर्स भी अपनी मांगें लेके आते हैं और आम जनता भी हमारे पास आती है। उसी को देखते हुए आज मैंने जरूरी समझा कि कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ। सरकार ड्यूटी सरकार जो है एलजी सरकार जो है उनके साथ भी हम टाइम टू टाइम अपनी प्रॉब्लम जो है वो बात करते रहते हैं, उनको रखते रहते हैं, लेकिन आपके माध्यम से भी करना चाहते हैं कि खासकर एक जो लोगों में इशू है हमारा कि जो सरकार ने ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, हैंडीकैप पेंशन जो लोगों को लगाई थी वो मार्च के बाद वो पेंशनें बंद कर दी गई हैं। उसकी वेरिफिकेशन हो रही है कि वो लोग जो बीपीएल होगा, पीएचएच होगा, प्राइमरी हाउस होल्ड जिसको कहते हैं वो होगा, उसी को दी जाएगी। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे ध्यान में आए हैं, कॉर्पोरेटर्स ने भी लाए हैं, हमारे सभी कॉर्पोरेटर्स ने, कि कोई बेडरिडन है, कुछ हैंडीकैप ऐसे हैं, कुछ लोग इतने हैंड टू माउथ हैं वो एक इनकम टैक्स का जो इनकम सर्टिफिकेट है वो पीएचएच का राशन कार्ड बनाने के लिए वो बनाने के काबिल नहीं है। तो वो लोगों की पेंशनें बंद कर दी गई सरकार ने। हम कहना अपील करते हैं आज मैं डिप्टी मेयर और पूरी कॉर्पोरेशन के कॉर्पोरेटरों के बिहाफ पे मैं अपील करता हूं गवर्नर साहब को कि ये पेंशन जो है जिनको लगी हुई, जिन लोगों को पेंशन लगी हुई है, चाहे वो पीएचएच, चाहे वो हैंडीकैप है, चाहे ओल्ड एज है, चाहे वो विडो है, उनको कंटिन्यू किया जाए। उन पेंशनों की जो लगी हैं उनको भी तहसीलदार ने सर्टिफाई करके दिया हुआ है कि इस आदमी की इनकम जो है वो 5,000-6,000 से ऊपर नहीं है। और जो आप आज पीएचएच राशन कार्ड बना रहे हो उसके लिए भी वही आधार रखा हुआ है कि तहसीलदार से सर्टिफिकेट बना के लाओ कि इसकी इनकम इतनी नहीं है, तो उसी के ऊपर पहली पेंशन लगी है। जो आगे आपने पेंशन लगानी है वो पीएचएच बना के उसकी लगाई जाए, लेकिन कम से कम जिन लोगों की लगी है उनको बंद नहीं की जाए, उनको कंटिन्यू किया जाए। हमारे ध्यान में बहुत सारे ऐसे केस हैं जो इस काबिल ही नहीं है कि तहसीलदार के ऑफिस जा पाएँ, पटवारी के पास जा पाएँ, या सीएपीडी के पास जाएँ, या फाइल अपनी उठा के वो डीसी ऑफिस में जाएँ, उस कमेटी के सामने पेश हों, तो फिर अपना पीएचएच बनाएँ। तो मुझे लगता है इससे लोगों में भी नाराज़गी है, हमारे कॉर्पोरेटर जो हैं उनमें भी नाराज़गी है। दूसरा जो इन्होंने रखा है कि हम पीएचएच का राशन कार्ड बनाने के लिए, आज तक बहुत कम राशन कार्ड बने हैं, इसलिए बने हैं कि जो सचमुच में डिजर्विंग है, जो डिजर्व करता है कि इसका बीपीएल राशन कार्ड होना चाहिए, पीएचएच होना चाहिए, वो इस स्थिति में है ही नहीं कि इतनी फॉर्मेलिटीज पूरी कर पाए। सरकार कोई ऐसा शॉर्टकट मैकेनिज्म बनाए कि अंडर वन रूफ उसको एट ए टाइम जो डिजर्व करता है उसको पीएचएच मिले और उसकी पेंशन जो है वो लग जाए। हमारा अनुरोध है आपके माध्यम से भी इसका किया जाए। बाकी हमारे साथ मेरे हेल्थ सैनिटेशन के चेयरमैन, हमारे स्वच्छ भारत के चेयरमैन, हमारे दूसरी सोशल जस्टिस कमेटी के चेयरमैन हमारे बीच में बैठे हैं, हमारे पूर्व चेयरमैन अजीत मराल जी बैठे हैं, हमारे जो संयोजक हैं दिनेश खन्ना जी वो हमारे बीच में बैठे हैं, ये भी अपनी बात बताएंगे जो उन्होंने शेयर की है। और लगभग आज हम सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आपके सामने इस बात को कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि गवर्नर साहब, सरकार हमारी बात सुनेगी। ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये पूरे कॉर्पोरेटर जो हैं 75 कॉर्पोरेटर उनकी आवाज़ है, आम गरीब लोगों की बात है, उसको सुनेंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जो सोशल जस्टिस के चेयरमैन हैं वो भी अपनी बात करेंगे, बाकी भी करेंगे। सभी मीडिया वाले भाइयों का, सभी का मैं स्वागत करता हूँ। जब मुझे चेयरमैनशिप के लिए भेजा गया इधर, मैंने आकर देखा जनवरी महीने से पहले जो अपना सीएपीडी के दफ्तर में भेजी हुई है, तब की फाइलें भेजी हुई है, आज दिन तक 300 फाइल गई थी इनके पास, इन्होंने 235 फाइल जो है डीसी ऑफिस में बैठ के मीटिंग की है, उसमें 235 किया, 235 से भी कब होगा कब नहीं होगा, अभी लोगों के घरों में जाएंगे, पहला वेरिफिकेशन करेंगे। हम चाहते हैं
कि जो पहली पेंशनें लगी हुई है, हैंडीकैप है, ओल्ड है, पिड्डू है, वो जैसे लगी हुई है, पिछले तहसीलदार थे उन लोगों ने भी वेरिफिकेशन करके लगाई हुई है, वो वैसी की वैसी रहनी चाहिए। जो आगे लगनी है वो PHH कार्ड पर लगनी चाहिए, जो आगे कोई नई वाली लगनी है वो आगे PHH कार्ड बनेगा उसके थ्रू लगाइए।